हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, होप सो आप सभी का जो AIB18 एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। एंड गाइस, जो आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर सभी का सिमिलर होता है, बट क्वेश्चंस जो है वो आगे पीछे होते हैं। तो गाइस, अपने आंसर्स को आप लोग मैच कर लीजिए इस आंसर की के अकॉर्डिंग जो हम एनालिसिस आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज पर आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1996। तो इसका जो आंसर है वो ए है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में भी रिटन एज वेल एज ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी और ओरल भी। सो सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस एन आर्बिट्रेटर मे नॉट बी चैलेंज्ड एज़ पर द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996। तो इसका आंसर रहेगा सी, व्हेन ही पोजेसेस द क्वालिफिकेशन एग्रीड बाय द पार्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन मे टू पर्संस बी सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर्स बाय हाफ ब्लड इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसका आंसर है बी, व्हेन दे डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द डिफरेंट वाइव्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो बी राइट आंसर है, द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ, सेक्शन 13 सब क्लोज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। तो इसका जो आंसर है आप लोगों का ओनली थर्ड रहेगा, डाइवोर्स ही तो दे सकते हैं हम अपने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। सो जो क्वेश्चन सिक्स है, विच व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैटल मैरिज इन मुस्लिम लॉ, तो वॉइड मैरिज कहलाती है। तो सेवन्थ है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिसॉल्व्ड बाय द वाइफ अंडर अ पावर डेलीगेटेड टू हर कॉल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ, तलाक आई तफीज। तो सी ऑप्शन आप लोगों का इसमें ठीक है। हिंदू बॉय एंड हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बोथ सी ऑप्शन ठीक है इसका, बोथ वन एंड सेकेंड आर करेक्ट। सो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, तो दोनों ही इसमें ठीक रहेंगे। तो सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है। सो नाइन्थ जो क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट इन द कॉपाशनरी इज मेड अवेलेबल फॉर अ गर्ल एज चाइल्ड एज वेल एज द हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टेंथ, व्हाट शुड बी द, थोड़ा सा ब्लर है गाइज, आप लोग देख लेना। सो इसमें क्या है, व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन अडोप्टिव फादर, कितना होना चाहिए सभी को पता है आप लोगों को, 21 ईयर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस मे बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेड केस ऑफ PIL का कौन सा केस है, हुसैनारा खतौन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी आप लोगों को पता होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फादर ऑफ PIL, कौन सा, जस्टिस PN भगवती इसमें आएगा आप लोगों का, सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग PIL कैन नॉट बी फाइल्ड, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट PIL फाइल नहीं कर सकते हम लोग। 14th, इन लाइट ऑफ गाइडलाइंस इशूड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू आ PIL कैन नॉट एंटरटेन बाय द कोर्ट पिटिशन फ्रॉम जेल फॉर प्री मेच्योर रिलीज, बी क्वेश्चन पर आप लोगों को जो है वो टिक करना है। 15th जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इट वॉज हेल्ड दैट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाला केस है ये, तो इसमें जो है आप लोगों को मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया पर टिक करना पड़ेगा। फिर आएगा आप लोगों का इन विच ऑफ द फॉलोइंग 6th जो क्वेश्चन आप लोगों का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैड कॉम्प्रेंसिवली रिकन्सिडर्ड SP संपत कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, कौन सा केस है, JB चोपड़ा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। 6th का जो है आप लोगों को ए पर टिक करना है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज द लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और पावर, तो किसने बताया था, ये वेड ने बताया था, तो आप लोगों को बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, व्हाट पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब फॉर पर्सन इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स अंडर एडवोकेट एक्ट, तो इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months, बी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का है, विच प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 एम्पावर्स द बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब, तो इसमें आप लोगों का डायरेक्ट था सेक्शन 49 पर आप लोगों को टिक करना था। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, तो अकॉर्डिंग टू मी ए जो आप लोगों का ऑप्शन है वो इसमें इनकरेक्ट है, एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर विच ही हिमसेल्फ पिकनरली इंटरेस्टेड। सो नेक्स्ट आप लोगों का
आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी एक्ट्स एज एन एपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट ऑर्डर मेड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो इसमें जो राइट ऑप्शन था आप लोगों का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप लोग वैसे चेक कर सकते हो इसको. फिर जो है नेक्स्ट 22 जो क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर वन पर्सन कैन, एक बार ये भी आप लोगों को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा बिकॉज इसमें जो है बी एंड डी ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है. सो 23, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड पब्लिक, कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, 3 जो है मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए. बी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, 24th क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सप्लेन द प्री क्वेश्चनरी प्रिंसिपल इन डिटेल्स. विलोरस सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज ऑफ इंडिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, आप लोगों को बताया भी था, तो ये ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. फिर है लैंडमार्क केस कौन था, कौन सा था, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर इन्वायरमेंट पे, एमसी मेहता वर्सेज कमलनाथ का फर्स्ट आप लोगों का ये लैंडमार्क केस था पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर, यह आप लोगों ने टिक किया होगा. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 66 है, ये भी डायरेक्ट दे रखा है, श्रेया सिंघाल का केस है, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो आप लोगों ने श्रेया सिंघाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया पर टिक किया होगा. नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शेल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनेटर, तो इसमें ऑप्शन डी पर क्लिक टिक करना था आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंट बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन. नेक्स्ट है मैक्सिमम पीरियड कितना होता है फॉर विच मे वीमेन शेल एंटाइटल टू मटर्निटी बेनिफिट, 26 weeks, ये भी रिसेंट आप लोगों का एक आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा. फॉर वट ड्यूरेशन वुमेन एंटाइटल टू लीव विद वेजेस, ये आप लोगों का 2 weeks है. सो नेक्स्ट, वट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, ओरिजिनली 250 वर्कर्स इसके अंदर आएंगे, बिकॉज मैं थोड़ा स्पीडली करा रही हूँ बिकॉज कैंडिडेट को जो है अपने आंसर्स जानने हैं, बाकी उनको नई क्वेश्चन डिटेल में चाहिए, डिटेल में हम बाद में करेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड डेफिनेशन वर्कमैन, किसको इंक्लूड नहीं है, सुपरवाइजर ड्रॉइंग मंथली सैलरी ऑफ 12,000, डी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. हु हैज़ डिफाइंड टॉर्चर्स लाइबिलिटी विन फील्ड पर आप लोगों को टिक करना था, डी ऑप्शन. ग्लस्टर ग्रामर केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हर पर पूछा जाता है, डेमनम साइन इंजूरिया का था. विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर व्हीकल का सेक्शन डायरेक्ट था 140. हाउ मैनी कंज्यूमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आइडेंटिफाइड, 6 मेंबर्स होने चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज के अंदर आएगी. फिर ये भी डायरेक्ट था आप लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स नो टैक्स कैन बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265 में दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट है 38. सो द फॉलोइंग वुड बी फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशंस न्यूली 31st March 2020 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इसमें है ये ऑप्शन, स्टार्ट फ्रॉम 1 April 2019 एंड विल एंड 31st March 2020. 39 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ब्लर है गाइज, आप लोग देख लेना थोड़ा सा, ये जिसने भेजा है वो थोड़ा ब्लर भेजा है. एज पर द इनकम टैक्स 1961 पर्सन सेट टू बी रेजिडेंट, तो इसका है 128 days आएगा आप लोगों का, बी ऑप्शन पर. 40 जो है इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लोज 24 पे आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो मेयर साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक, ये आप लोगों का जो है फ्रॉड नहीं है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मेयर साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक. 42 ये पेज भी गाइस थोड़ा सा ब्लर है, आप लोगों को देखना पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इफ ए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को, इसका जो राइट आंसर वो है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल वाला, सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. फिर नेक्स्ट भी आप विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आगे थोड़ा सा ब्लर है आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो इसमें बी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. और 44 का जो राइट आंसर है सेक्शन 74 आएगा इसके अंदर. व्हाट इज़ द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेएबल अंडर द सेक्शन 63 ए ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1980 पर एनम इसका आंसर आएगा 45 का सी. एंड 46 जो है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट गवर्न अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इधर ए और बी, विच एवर इज लॉन्गर, सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हुंडी आएगा, बी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. 48 इन लाइट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एट विच रेट इंटरेस्ट विल बी चार्ज, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मैंशनड इन ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18% पर एनम, तो सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. 49 जो आप लोगों का है क्वेश्चन, तो इसके अंदर जो है
विद इन वट पीरियड डेट ऑफ पब्लिकेशन डिक्लेरेशन 12 months आएगा इसके अंदर. 50 वट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज नीड टू गिव प्रायर कंसेंट एक्वायरिंग लैंड और प्राइवेट कंपनीज. तो 80% यहाँ पर आएगा. इमेजिन एंड IPL टीम सेट्स अ कंपनी टू सेल ओवर रेंज ऑफ अ क्लोथ्स. तो इसमें पेटेंट भी नहीं होता ज्योग्राफिक लैंड डिवीजन. तो ट्रेडमार्क इसका राइट आंसर रहेगा. सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. पेटेंट यूजली लास्ट फॉर 20 years तक होता है. द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मैंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोटिवेटेड ऑस्ट्रेलिया. सो 54th है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड टू इन्फोर्स परफॉर्मेंस मैंडमस. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोविजन्स पब्लिशन किसमें की थी. 58th अमेंडमेंट में आप लोगों की जो है की गई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट कलरेबल लेजिस्लेशन. तो कौन सा केस था. स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज कमेश्वर सिंह. ए ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. 57th विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन लाइट ऑफ एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव्ड इन री बेरूबेरी केस. भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम में आया. द कॉन्स्टिट्यूशन 19 अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाला. अब सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था. फिर नेक्स्ट है 58th विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेलिवेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन रिपंगेंसी बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ. तो आर्टिकल 254 ये भी डायरेक्ट पूछा गया था. फॉर ट्रांजेक्शन पीरियड कितना होता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंजिंग ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 15 years. सो 60 विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड देयर कुड बी नो रिजर्वेशन वन सिंगल पोस्ट. तो ये है चंद्रधर पवन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये केस इंपॉर्टेंट था आया आपके एग्जाम में. ए ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. ये 61 जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ऑफ वर्किंग वूमेन है. हर प्लेस ऑफ वर्क मे बी ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द वोलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल 19 सब क्लोज जी के अंतर आएगा आप लोगों का. ये आप लोगों को पता होगा. तो इसमें डी ऑप्शन पर टिक करना था. विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन हैज़ बीन अप्लाइड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 25 सब क्लोज बी एंड 26 वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. ए ऑप्शन में ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ठीक भी किया होगा. नेक्स्ट डे 63 विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इंडियन पिन कोड 1860 मे नॉट बी अप्लाई. तो ये डी ऑप्शन है ओनली वन एंड सेकेंड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करंटली एग्जिस्टिंग अंडर इंडियन. 5 types की पनिशमेंट. ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच ऑफ द अम्यूजमेंट. सो इसमें जो है जो प्ले किया गया है वो फेयरली किया गया है. हर्ट नहीं हर्ट हुआ है तो फेयरली हुआ है. इसमें कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा. तो डी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. 66 विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट एक्सीडिंग कॉज डेथ. तो इन केस सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना. इन केस वन असोल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट. 67 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पिकनरी बेनिफिट सेक्शन 89. ये भी डायरेक्ट था. सो ये जो 68 है क्रिमिनल फोर्स आएगा इसके अंदर. ये एक्स इंटेंशनली पुल्स अ व्यूमन व्हील विदाउट हर कंसेंट. तो इसमें क्रिमिनल फोर्स आएगा. आप लोगों को बी ऑप्शन पर टिक करना है. बी ऑप्शन ठीक है. तो बाकी आप लोग चेक कर लेना. व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन पिन कोड. हु मेम्स माइनर इन ऑर्डर टू सच माइनर मे बी यूज फॉर पर्पज बैगिंग. सो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन. डी ऑप्शन 70X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives him money. तो ये ए ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. imprisonment up to 2 years or with fine or with both. So the following sentence is an assistant session judge authorized to pass as per the code of criminal procedure sentence. तो सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years. 72 अ पर्सन अरेस्टेड बाय द प्राइवेट पर्सन वाला क्वेश्चन है पब्लिक ऑफिसर द्वारा. तो सेक्शन 43 अब डायरेक्ट पूछा गया था. तो इसमें डी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था. फिर नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस. किसमें नहीं. वॉलंटरी वाइफ रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड. तो बी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. सभी ने किया होगा. सो द फॉलोइंग प्रोसीजर अंडर सेक्शन 164A ऑफ कोड ऑफ प्रिंसिपल. ये इसमें आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप. ए ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था. 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशंस. सो इसमें डायरी मे बी यूज्ड एज एविडेंस. सी में आएगा. सी ऑप्शन आएगा. सो 76 विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मैंशन चार्ज. सो इसमें आएगा आप लोगों का ए ऑप्शन. ही इज अक्यूज थेफ्ट सर्टेन articles and certain time and place. So the following offenses may be tried summarily as per code of criminal procedure. Offense punishable
विद लाइफ इम्प्रिजमेंट डी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड्स रेफरेंस टू हाई कोर्ट सेक्शन 395 डी ऑप्शन. 79 अ पर्सन अक्यूज ऑफ फॉलोइंग ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438. तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आप लोगों का इसमें से ठीक है तीनों ही ऑप्शन. सो 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इफ डन मैजिस्ट्रेट इवन गुड फेथ में, तो इसके अंदर रहेगा सी ऑप्शन अटैचेस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ द सीआरपीसी. 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग जुरिसडिक्शन, ये जो है गाइज एक बार चेक करना पड़ेगा. फिर 82 जो है जो द फॉलोइंग कैनॉट बी कंसिडर एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर सेक्शन 9 ऑफ सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटीरियली पेमेंट और ऑफरिंग, ए ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. 83 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 मेक्स द डॉक्ट्रीन रेस जुडिकेटा, तो इसमें जो है बी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6. 84 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कोर्ट विल इशू अ समन फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट, तो सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना इफ डिफेंडेंट डिसाइड टू 50 miles अवे फ्रॉम द कोर्ट. 85 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, तो इसमें सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था डिसमिसल ऑफ सूट इन बिकॉज ऑफ प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर. हाउ मेनी टाइम्स मैक्सिमम में अडजमेंट, ये किसमें है 3 times होनी चाहिए मैक्सिमम ही पूछा गया ना. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड प्रोविजन, तो इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 2002 आना चाहिए, बाकी आप लोग देख लेना इसका कन्फर्म नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वर्ड कोस्ट एज प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो फूडिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसिस इनकर्ड. वट पीरियड प्रेस्क्राइब सिविल, कितना पीरियड प्रोवाइड किया गया है, बी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन्स. सो 19 में भी डाउट है. 91 ए अक्यूज ऑफ मर्डर बाई बी ऑफ बी बाई बीटिंग हिम, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से देख लेना, वट एवर सेड बाई स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ बीटिंग, सी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन को एविडेंस एक्ट 1872 सेज द कन्फेशन टू पुलिस, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है सेक्शन 25. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन डायरेक्ट दिया गया है, सेक्शन 32 में आता है डाइंग डिक्लेरेशन. सो द फॉलोइंग इज correct according to Indian Evidence Act to proof of content of the document. So content of document may be proved either by primary or secondary evidence, ये सभी को आता था, बिल्कुल basic question दिया गया है. प्राइमरी और सेकेंडरी से ही हम प्रूव कर सकते हैं, डी ऑप्शन पर आप लोगों को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट एज इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 लीडिंग क्वेश्चन में बी एक्सन क्रॉस एग्जामिनेशन, बी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्लैरिफाई एडमिसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो ये है अनवर पीवी पीके बशीर, तो ए ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट लाइट ऑफ एविडेंस एक्ट, तो ये है एडमिशन आर कंक्लूसिव एज टू मैटर एडमिटेड, बी ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना था. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल, कौन सा एक्सेप्शन, तो ये हमने देखा था आप लोगों का एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 सब क्लोज 1, ए ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना. 99 सो द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द कोड ऑफ सिविल नेगोशिएशन आएगा, इसके अंदर नॉट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है 100. सो द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट.